हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक 4440 एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस कैबिनेट है, 4440 का कैबिनेट है। इसमें हम पूरा A to Z इसका कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें हर एक चीज़ लगाएंगे और आपको पूरा इसका कनेक्शन करके हम दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया एक 4440 का कैबिनेट, मेरे पास पुराना ही था। और इसमें जो भी अभी कंपोनेंट लगेगा वो सब हमने ले लिया, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह ब्लूटूथ मॉड्यूल है, स्पीकर सॉकेट है। आप देख सकते हैं दो पिन में ले लिया, ये इनपुट देने के लिए, ऑक्स के देने के लिए, और ये माइक का है, और ये स्विच है, और कुछ स्क्रू है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम फटाफट से इसे कसते हैं। तो पहले हम इसे ब्लूटूथ को कस देते हैं। यहाँ पे हम ब्लूटूथ इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट इसमें लगा दे रहे हैं। इसका पूरा A to Z कनेक्शन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए इस वीडियो को, एम्पलीफायर का वीडियो। इसका स्क्रू हम कस लेते हैं। और इसमें हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, 0-12 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 0-12 3 एम्पियर। आप 2 एम्पियर के भी ले सकते हैं, लेकिन 3 एम्पियर इसमें काफ़ी अच्छा से काम करेगा, लोड भी नहीं पड़ेगा। तो हम 3 एम्पियर इसमें लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ब्लूटूथ को कस लिया है, आप देख सकते हैं। तो हम स्पीकर सॉकेट को कस लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमने स्पीकर सॉकेट कस ले रहे हैं। इसका स्क्रू हम खोल लेते हैं। यहाँ पर जो रेड वाला है उसको ऊपर रखना है, और जो ब्लैक वाला है उससे नीचे रखना है। स्पीकर ए है और ए बी है, यानी लेफ्ट है और राइट है। फ्रेंड्स, एक भाई है जो मेरे जैसा वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। GK एक्सपेरिमेंट उनका चैनल का नाम है। तो आप उनको भी चैनल पर जाइए, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने स्पीकर का सॉकेट कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जो ये हमारा इनपुट का इनपुट दिया जाता है यहाँ से, ऑक्स से, उसको भी हम इसमें कस लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम स्क्रू पेच लगा लेते हैं। हमने इसको कस लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और जो ये वाला है DC के लिए लगता है, इसको भी हम कस लेते हैं। 12 वोल्ट इधर से दिया जाता है, उसको भी हम कस लेते हैं। यहाँ पे प्लस वाला ये है, आप देख सकते हैं। मार्केट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा आसानी से। इसका ब्लैक वाला भी हम लगा लेते हैं। हमने इसका ब्लैक वाला भी लगा लिया है फ्रेंड्स। अब इसका माइक का जो सॉकेट है, इसको भी हम लगा लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं माइक का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको भी लगा लेते हैं। इसको भी अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं।
हमने इसको लगा लिया है फ्रेंड्स। अभी जो स्विच है इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला नट हम खोल लेते हैं और एक ये वाला निकाल लेना है, आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमें इसमें लगा देना है, ये हो गया फ्रेंड्स। और इसमें ये वाला पुली जो होता है, पुली का कुछ भी कह सकते हैं, इसको भी इसमें लगा लेते हैं और इसमें नट कस देते हैं। इसको भी हम खोल लेते हैं ऊपर वाला, इसमें भी ये वाला स्विच हम लगा लेते हैं। ये हम देंगे ब्लूटूथ को इनपुट, ये वाला पिन में देंगे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा इनपुट अलग से भी दिया जा सकता है और ब्लूटूथ का भी। तो इसमें भी हम लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसका स्विच लगा लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नट बोल्ट है तो इसको हम लगा लेते हैं कुछ इधर से, एक हम इधर लगा लिए। एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पर हम ट्रांसफार्मर रख देते हैं और इसमें नट कस देते हैं। इस साइड का भी नट कस देते हैं हम, हमने इसको लगा दिया है फ्रेंड्स। अब इसका स्क्रू जो है हम इससे टाइट कर देते हैं, हमने इसको कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और वीडियो लंबा हो गया, इस वीडियो को बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका किट लगाएंगे और उसका वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में।